हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत 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 दिन के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। आई नो दैट एक्चुअली आई गॉट माय जॉब बैक एंड तो मतलब ये 4-5 मंथ्स से मैंने जो व्लॉगिंग नहीं किया है, द रीज़न इज़ आई नीड सम ब्रेक और मुझे इसमें थोड़ा सेटल करना था एंड नाउ आई एम डन। सो आई होप कि मैं अभी रेगुलर व्लॉगिंग कर पाऊँ एंड प्लीज़ विश मी अ लक। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो आज की जो स्टोरी है दैट इज़ अ स्पिरिचुअल वन। एक्चुअली स्पिरिचुअल स्टोरी से पता है फ़ायदा क्या होता है, वी लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और अगर वो चीज़ दिमाग में लेके चल रहे हैं दिल और दिमाग में, तो उनसे ना कहीं बहुत फ़ायदा हो जाता है लाइफ में। आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग्स। तो आज की भी जो स्टोरी वो प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको लास्ट में सुनने को मिलेगा। या तो ये जो स्टोरी है दैट इज़ ऑन द कि कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को एक मिरेकेलियस पॉट दिया था और वो पॉट का नाम है अक्षय पात्र। तो ये जो अक्षय पात्र का जो पूरा स्टोरी है ना, दैट वी आर गोइंग टू लिसन टुडे। तो क्या हुआ, पांडवास जो है और पांडवास और द्रौपदी जी वो लोग वन में रहते थे, जंगल में। सो पहले यू नो कि बहुत ही उन लोगों का लाइक यू नो लाइफस्टाइल बहुत सिंपल रहता था एंड बहुत ही रिस्पेक्टफुल और ये सारी चीज़ें थी, यू नो दैट। तो क्या था कि ये कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को ये अक्षय पात्र दिया था। उसमें क्या था कि जितने भी मेहमान आते हैं, जब वो कुक करते हैं तो उसमें से खाना कभी कम नहीं पड़ता था। बस वो आप बनाते जाओ, उसमें से वो भगवान देते जा रहे, इट वॉज लाइक दैट प्रोसेस। लेकिन वो ना वन टाइम पासवर्ड जैसा था, OTP पासवर्ड जैसा, जैसे कि एक बार ही पूरे दिन में यू कैन यूज़ ओनली वन टाइम। जैसे ही वो खाना बन गया, उसको धो के आपने यू नो जस्ट रख दिया ऐसे प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे, मतलब नॉट अ प्लेटफॉर्म बट जैसे ही आपने क्लीन करके उसको रख दिया, देन यू कैन नॉट यूज़ ऑन द सेम डे। तो ये हुई, दिस इज़ द वन थिंग। तो क्या हुआ, एक बार जो दुर्वासा ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि और उसके 10,000 स्टूडेंट्स, यू नो 10,000 शिष्य जो थे उनके, देवर कमिंग भिक्षा मांगने के लिए वो लोग आ रहे। तो उस ज़माने में क्या था, वी नो कि भिक्षा लेने जब आते हैं तो यू हैव टू गिव समथिंग, अदरवाइज वो उसको श्राप देते हैं, या तो फिर जो अतिथि धर्म होता है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वो सब मतलब भंग हो जाता है उसका पूरा। तो द्रौपदी जी ये बहुत घबरा गए, पांडवास भी बहुत घबरा गए कि अब क्या करेंगे यार, हमने तो खाना बना के खा लिया एंड नाउ वी कैन नॉट यूज़ दिस अक्षय पात्र एनी मोर। हमको तो दूसरे दिन ही ये यूज़ करना पड़ेगा, अब हम खाना कहाँ से खिलाएंगे। तो द्रौपदी जो है बहुत ही चिंता करने लगे। लेकिन उसको चिंता में दिया था किसने, कृष्ण भगवान ने दिया था, तो शी नो उसके अभी सॉल्यूशन भी वही दे सकते हैं। तो वो सीधा उनका स्मरण करने लगे, चैंटिंग उसका शुरू हो गया। तो भगवान ने दर्शन दिया और देन बोले कि बताओ क्या है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि भगवान ये लोग आ रहे हैं, अगर हम लोग उसको नहीं देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, तो हम अपने अतिथि धर्म से चुक जाएंगे। सो कृष्ण भगवान ने पांडवस को बोला कि आप उनको बोल दो कि वो नदी पे जाए, अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जाए और नहा के आए, तब तक खाना रेडी होगा, तब ऐसे करके बोल दो। तो पांडवस को तो और द्रौपदी जी को, दोनों को तो कृष्ण भगवान के वचन में विश्वास था ही जो भी, तो उन्होंने बोल दिया बिंदास और वो लोग चले गए यू नो नहाने के लिए। तो बाद में क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने वो अक्षय पात्र मांगा कि आप मेरे को वो दो। उन्होंने देखा, ऐसे ध्यान से देखा, तो उसमें एक भाजी का जो टुकड़ा था ना, उसमें चिपका था। तो कृष्ण भगवान ने वो भाजी का जो टुकड़ा है ना, वो अपने मुंह में रख दिया। जैसे ही भगवान ने अपने मुंह में रखा, वो वहाँ पे जो लोग नहा रहे थे ना, सब लोग ऋषि और उसके 10,000 स्टूडेंट्स जो नहा रहे थे, उसका पेट भर गया, मतलब उसको ऐसे डकार आए एंड देवर, मतलब उसके स्टमक सारे फुल हो गए। तो फिर कृष्ण भगवान ने पांडवों को बोला कि जाओ आप बुला के लाओ उसको। सो पांडव बोले कि यार अब मैं हम लोग, लेकिन भगवान कुछ बना तो नहीं है, रेडी नहीं है, जाके क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको। सो देवर वरिड। तो भगवान ने बोला अरे आप जाओ तो सही, सब हो जाएगा, लाइक दैट। सो जैसे वो पहुँचे ना वहाँ पे नदी पे,
तो वो लोग सब ऐसे हाथ पेट पे हाथ खुजला रहे थे, यार बहुत पेट भर गया अब तो मेरा, मतलब हम सबका बहुत पेट भर गया है यार, हम जरा भूख ही नहीं है। तो जैसे ही पांडव बुलाने आए ना कि ऋषि जी आप चलिए एंड सब सबको चलिए खाना रेडी है करके, तो बोले कि नहीं नहीं हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं खाना है, हमारा पेट ऑलरेडी इतना फुल है, हमें बिल्कुल भूख नहीं है। और वो लोग नदी से वहीं से ही वो लोग लौट गए फिर से। तो सी दिस इज द थिंग हाउ वी यू नो, हमको कभी भगवान पे विश्वास नहीं होता, हम भगवान की सुप्रीमसी अपने हाथ में ले लेते। अरे यार वो क्या करेंगे, जो है हम है, मतलब दिस इज द थिंग वॉट वी, हम कभी भगवान का सहारा नहीं लेते, वी डोंट बिलीव इन गॉड, हमें ऐसा लगता है ये हम है, हमसे ही सब कुछ होता है, हमसे ही दुनिया है, दिस इज द थिंग वॉट वी थिंक। तो द थिंग इज वेन एवर द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि वेन एवर वी आर इन द प्रॉब्लम जस्ट रिमाइंड द गॉड कि प्लीज़ हेल्प अस इन दिस सिचुएशन, बिकॉज आपने ही हमें ये सिचुएशन में डाला है एंड नाउ यू ओनली टेक अस आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो आप प्लीज़ एक बार तो प्रे करो, दिल से प्रे करोगे ना, जो भी वो एक बार भी की होगी ना वो पूरी हो जाएगी। सो दिस इज़ वॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सो लिसन दिस, अगर पसंद आए तो प्लीज़ गिव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।